गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा एक और रहस्य दिखाते हैं। ये है वही देवी भागवत, ये सातवां स्कंध, और 570 पृष्ठ पे हिमालय और दुर्गा की वार्ता ही चल रही है। देवी पूजने के विविध प्रसंगों का संक्षिप्त वर्णन। हिमालय ने कहा, देवेश्वरी महेशानी करुणा निधे अम्बे, अब आप अपने पूजन की समुचित विधि बताने की कृपा कीजिए। ये तो अपनी बताती है। अब यहाँ देखिए, यह देवी बोल रही है, श्री देवी कहती है पर्वतराज, ये तो इसने अपना बताया। फिर यहाँ आइएगा 571 पृष्ठ पे, हमने देखना ये देवी बोल रही है, ये दिखाना था वहाँ से। वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का यानी अन्य पूजा का अवलंबन लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। क्या स्पष्ट करी है? वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके, यानी कोई मनमानी पूजाएं बताता है, जो अन्य धर्म का अवलंबन कर लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधार्मिकों से न बात करें और न उन्हें अपने पंक्ति में बैठावें। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं, वे सभी श्रुति और समर्थि से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे गए हैं। उन शास्त्रों के नाम हैं वाम, कपाल, कौलक और भौरवागम। शिव ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। उन्हें कहीं कहीं वेद से अविरुद्ध अंश भी हैं, उनमें कहीं कहीं वेद से अविरुद्ध अंश भी हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब देवी कह रही है कि वेद से अतिरिक्त किसी भी ज्ञान पर आश्रित नहीं होना चाहिए, और जो वेद ज्ञान से अलग कोई ज्ञान देता है, राजा को चाहिए कि उसको वहां से निकाल दे। अब देवी क्या बता रही है कि शिव ने, इस शिवजी ने भी ऊट पटांग ज्ञान दे रखा है, उसको स्वीकार मत करना। देख लो ये 571 पृष्ठ पे, ये सातवां स्कंद आपने पढ़ा। ये क्या कह रही है कि ये उन शास्त्रों के नाम हैं वाम, कपाल, कौलक और भैरवगाम। शिव ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया। मोह माने माने अज्ञान में फंसाने के लिए ये वाम, कपाल, कौलक और भैरवगाम ये शिव के द्वारा बोले गए शास्त्र हैं। कहते हैं वो कति अज्ञान है, उनमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत वेद के अविरुद्ध अंश भी है, और वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण लें तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। तो कहते हैं शिव ने भी कुछ ग्रंथ बोले हैं जो उनको ग्रहण ना करें, जो वेद से मिलता है वो उसमें से थोड़ा बहुत तो वो ग्रहण कर सकते हैं। तो
कहने का भाव यह है कि हमने वेद के अतिरिक्त अन्य साधना, जैसे पुराणों में वेद साधना लिखी है, भक्ति भक्ति का मार्ग लिखा है, विधि लिखी है, वो ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है कि पुराणों का ज्ञान किसी ऋषि महर्षि या देव का दिया हुआ है, वेद ज्ञान प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु का ज्ञान विधान है, जैसे राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करता है मनुष्य की, तो उसको सजा दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है। एक व्यक्ति का मित्र कोई दरोगा था, SHO था, उसने अपने मित्र SHO से कहा कि दरोगा जी, मेरा पड़ोसी, मेरा साथ के मकान वाला व्यक्ति मेरे साथ बहुत द्वेष करता है और बार बार समझाने से भी वो नहीं मान रहा है, बाज नहीं आता, मुझे बहुत परेशान कर लिया, उसका कोई समाधान बताओ। अब दरोगा जी ने कहा कि तुम मार उसका लठ, कोई बात होगी तो मैं आप देख लूँगा। अब दरोगा जी की आज्ञा का पालन करके उस नालायक व्यक्ति ने राजा का कानून तोड़ दिया, अपने पड़ोसी के साथ जाकर लठ बजा लिया और लठम लठा से उस पड़ोसी का की मृत्यु होगी। अब वही पुलिस वाला, वही SHO उस अपने मित्र को अरेस्ट करके लाया, क्योंकि उसने राजा का विधान तोड़ दिया और जेल में डाल दिया और उस व्यक्ति को सजाए मौत होगी। अब कारण क्या है पुण्यात्माओं के, उस व्यक्ति ने एक अधिकारी के कहने से राजा का विधान तोड़ दिया, अधिकारी की आज्ञा मान ली। तो ये वेद पुराणों का जो ज्ञान है, ये तो एक SHO का समझ लो, और वेद ज्ञान जो है ये परमात्मा का विधान है। परमात्मा के विधान के अतिरिक्त हम किसी और की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम दोषी हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर हम मनमाना आचरण कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख होता है और न ही उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा को मत मानना। कौन सी साधना करनी चाहिए कर्तव्य, और अकर्तव्य जो ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही उसका प्रमाण है, किसी और की बात को नहीं मानना। अर्थात शास्त्रों में जो विधि लिखी है परमात्मा की भक्ति की, वही शास्त्र अनुकूल है। शास्त्र कौन कौन से हैं? पांचों वेद, ये चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, और पांचवा सूक्ष्म वेद है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। इनके अंदर जो लिखा है उसी तरह साधना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। अपनात्मा आपने ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और इन ब्रह्म के ज्ञान का पता लग गया। ब्रह्म कहता है पूर्ण ब्रह्म की साधना करो, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसे तुम्हें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, और दुर्गा की ओर ब्रह्म तक की साधना बता करके अपने ज्ञान का सत्र बता रही है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना जानता, इससे सिद्ध है कि ना ब्रह्मा जी को पता ना विष्णु जी को ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, ना शिव जी को ज्ञान, उसने वे ऊट पटांग शास्त्र बना दिए। अब सतयुग के ब्राह्मणों का थोड़ा सत्र देखते हैं, यही देवी भागवत 6 अध्याय देवी पुराण 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना की जाती थी। ले भाई आलिया ओढ़, आ गया अंत। सतयुग के ब्राह्मण और वेद के पूर्ण विद्वान थे और वो क्या करते थे, दुर्गा ही पूजा करते थे, उसी का दर्शन करने के लिए वह डलेड होते थे, और प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर का उद्घाटन हो, यह इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। ये मंदिरा का लठ ब्राह्मणा ने सतयुग में गढ़वा दिया था,
सतयुग में बनवा दिए थे काल प्रेरणा से ये मंदिर और दुर्गा की पूजा। दुर्गा के बाद फिर उनके तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा तक हमें आश्रित कर दिया। अब देखना यहाँ आपने पढ़ा वही 514 पृष्ठ है, जन्मे जैन पूछा और व्यास जी ने उत्तर दिया कि राजन निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। यहाँ देखो धर्म की यही सती थी त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओह, सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस थे उनके से तय वर्तमान के ब्राह्मण हैं, उन राक्षसों के तुल वर्तमान के ब्राह्मण हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते। आहा, उन्होंने दो चार मंत्र घोट रखे, स्वाहा स्वाहा जड़े मिले 500 रुपये चल स्वाहा, और फिर और बना दिए जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेव, ये इन पहला छोड़ दे हमारे को। अपने आत्मा उस सच्चिदानंद घन की वाणी उन्हीं के प्रत्यक्ष दृष्टा उन्हीं के कृपा पात्र गरीबदास साहिब जी ने हमें किस प्रकार बताई है। मन माणक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। अब आपने श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी श्री नारद जी श्री व्यास जी और श्री दुर्गा जी, इनके ज्ञान से आप परिचित हुए। किसी को भी अध्यात्म ज्ञान का कैख है भी ज्ञान नहीं है। दुर्गा कहती है कि ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, बस वही फाइनल गॉड है। और ब्रह्म आपको बताया, ब्रह्म ने क्या बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी साधना कीजिए, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में परमात्मा कहा करते थे अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताया था कि किसी को भी ज्ञान नहीं गरीबदास जी। फिर गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए है उस अनमोल ज्ञान को किस प्रकार वर्णन किया। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब ये ब्राह्मण ये ऋषि महर्षि नारद जीर व्यास जीर ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहते हैं हमने बड़े विद्वान नजर आवे थे, पर इनको अध्यात्म ज्ञान का कैक है का भी पता नहीं था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है उसकी आँख इतनी स्वस्थ दिखती है जैसे बिल्कुल ओके हों, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। ऐसे ही इन सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि को ब्रह्म नारद आदि को व्यास जी को वशिष्ठ जी को सबको इनका मोतियाबिंद था, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ये हमें बड़े महर्षि और विद्वान दिखाई देते थे। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। यानी दिखत नहीं होते, बड़े विद्वान पुरुष हैं लेकिन
ये तो कति अज्ञानी ज्ञानहीन थे और जिस कारण से पूरे मानव का ह्रास हो गया, मानवता का ह्रास हो गया, भक्ति समाप्त होगी। हम कति लोभी लालची बन गए, मिलावट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, माया माया जोड़ने के ऊपर हम लगे हुए हैं। हम भूल गए मर जाने को, हम मरने को भूल गए, उस मौत को भूल गए, हम भगवान को से डर खत्म हो गया, जिस कारण हम केवल पाप पाप ही इकट्ठे कर रहे हैं। नर नारायण देही पाके जय कट्याना जम का फंदरी जम माने काल यम। नर नारायण देही पाके जय कट्याना यम का फंदरे रतन अमोली दर्शत नाही दक है वाकी जिंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर ले सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। क्या बताते हैं कि नर नारायण देही पाके जय कट्या न जम का फंदरे। ये कितना सुंदर मानव शरीर, मनुष्य परमात्मा जैसा शरीर है, परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, लेकिन हम आत्मा है वो परमात्मा है, परमात्मा का ऐसा ही शरीर है और हमारा भी शरीर सतलोक में मनुष्य जैसा ही शरीर है। उसी नारायण ने, उसी परमात्मा ने अपने जैसा स्वरूप हमें दिया है और हम सतलोक में रहा करते थे, वहाँ हमारा ऐसे ही परिवार है, वहाँ दोनों ही स्वरूप हैं। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, ज्ञानहीन लोग इसको समझ नहीं सकते और हम रह रहकर इसको विशेष परिस्थितियों में ही कभी कभी ये ज्ञान देना चाहते हैं, नहीं तो ये अज्ञानी लोग भी अपनी दुकान खोलने तैयार रहते हैं काल प्रेरित। तो सतलोक के अंदर हर व्यवस्था है, वहाँ पर ऐसे ही अपना परिवार है, पूरा नर और नारी वहाँ भी अलग अलग है। वहाँ सतलोक के जो बहुर गुफा से बिल्कुल निकटते स्थान है वहाँ पर व्यवस्था अलग है और ऊपर के लोक में वो अलग व्यवस्था है। तो परमात्मा का जो ज्ञान है ये समझ में ना आने के कारण अब कोई तो वहाँ सतलोक में निराकार ही निराकार है, चेतन ही चेतन है, कोई बकवास करता है कि वहाँ पर परमात्मा ही एक पुरुष है बाकी सब नारी हैं। नहीं, आत्मा शब्द केवल नारी से संबंधित नहीं है, परमात्मा शब्द अपने आप क्योंकि हमारे सुप्रीम है, वो हमारा स्वामी है, इसलिए वो पुल्लिंग जैसा लगता है आत्मा और परमात्मा, वहाँ हर तरह की व्यवस्था है सतलोक के। तो कहने का भाव ये है कि कहते हैं नर नारायण देही पाके जय कट्या न जम का फंदरे और रतन अमोली दर्शत नाही धक है वाकी जिंदरे। धिक्कार उसकी जिंदगी को जिसने ये तत्व ज्ञान को नहीं समझा। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे उस गोविंदरे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो साधना करते हैं और भाव भक्ति जा हृदय होई क्या कर है सुरपति इंद्रे। जिसके अंदर भाव भक्ति यानी श्रद्धा से जो भक्ति करता है, श्रद्धा से लगन लगाता है मालिक में, तो कहते हैं उसके आगे देवताओं का राजा इंद्र का भी राज फीका लगता है। जो आनंद उस व्यक्ति को आता है जो भाव से भक्ति करता है, भाव मीन श्रद्धा से, यानी ज्ञान के ऊपर आश्रित होकर के। इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अपुणात्माओं, निर्द्वंद भजन कैसे होता है? परमेश्वर जी ने आकर के हमें एक ऐसा सिलेबस दे दिया कि हमें फुर्सतें को न मिलती। जैसे सुबह उठते ही प्रथम मंत्र कर लो और फिर नित नेम करो, जैसे भी आपको सुविधा वैसे कीजिए। इस कोई ये जो है ना हठ योग नहीं है, ये सहज मार्ग है। यदि आपको सूटेबल है पहले नित्यनेम करना तो नित्यनेम कर लीजिए सुप्रातःकाल का। अगर वो सूटेबल नहीं है तो पहले प्रातःकाल प्रथम मंत्र कीजिए।
या प्रथम या श्वास का सतनाम आपको मिला है उस सतनाम का सुमरण कीजिए, कोई सा भी शुरू कर दीजिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सहज मार्ग है। जब भी दाव लगे तभी उसी को कर लीजिए। फिर जैसे दोपहर को रमैणी हो जाती है, दोपहर के बाद किसी समय 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक आप कभी भी रमैणी भी कीजिए, और फिर उसके बाद संध्या आरती होगी और फिर संसारिक काम भी होगी और फिर अपने मंत्र फिर शुरू कर दे। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, ना जाने श्वास को आवण हो ना हो। तो ईश कहते हैं ये निर्द्वंद भजन है, हमने टाइम में ना मिलता दूसरी बकवाद सोचने का। कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे अलगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। सर्वण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो रे, दीपक है बिन तेल रे। यानी ऊपर सतलोक में परमात्मा का जो सब प्रकाशित सतलोक है, स्वयं प्रकाशित है, कहते वहां दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती ही बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैंने चारों युगों में आकर के अपनी प्यारी आत्मा परम संतों को, दृढ़ भक्तों को इस यथार्थ ज्ञान के बारे में जानकारी दी, उन्होंने भी फिर आगे आवाज़ लगाई और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में सभी के सामने इस तत्व ज्ञान का ढोल बजाया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कि हमने तो तत्व ज्ञान रूपी हीरे माणिक मोती तुम्हारे ऊपर बखेरे हैं, बरसाए हैं, और तुम शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी डले ढो रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजाएं करते हो, अन्य देवताओं की पूजा करते हो, मंदिर गुरुद्वारे मस्तिष्कों की पूजा करते हो। कहते हैं ये तुम डले ढो रहे हो, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्योंकि सदग्रंथों में जो लिखा है वैसे करने से लाभ होगा, ना कि किसी विशेष बिल्डिंग में जाने मात्र से आपका मोक्ष होगा। क्योंकि जिन महापुरुषों से सदग्रंथ लिखे गए हैं उन्होंने जैसी साधना की है वैसी साधना आप जी ने करनी होगी। 5-25-3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। वृद्धबान ले बुद्धि का बांधो, भौजल नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संगना चाल्या देल रे। कहते हैं लाख रुपये भी जोड़ दिए, करोड़ों भी इकट्ठे कर लिए, जाते समय तेरे साथ एक नया पैसा भी नहीं गया। बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संग नहीं चाल्या देल रे। अस्ति घोड़े अर्थपाल की, ताजी घाल हमेल रे। सूर्य होकर शीस कटावे, लावत है मन तन सैल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। एक पुन्नी एक पापी आए, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। क्या बताते हैं कि एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। जैसे एक तो पुण्यकर्मी प्राणी हमें लगता है जैसे कोई भंडारे लगा देता है, कि तो पक्षियों को दाने डाल रहा है, और कोई कहीं धर्म कर रहा है, किसी ने धर्मशाला बनवा दी है, कोई प्याओ बनवा दी है, ठीक है। और एक पाप पाप करता है, हैं बकरे काटता है, मांस खाता है, और एक ऐसा है जो चवन्नी दान नहीं करता। तो कहते हैं एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, और गरीब दास सतनाम भजन बने, सब ही काल की जेल रे।
अपनात्माओं जैसे कोई पुण्य करते हैं, कोई धर्म भंडारे करते हैं और अन्य साधना जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, चींटियों को दाना डाल दिया, जैसा भी इनको पुण्य का पता है ऐसा ये करते हैं, और एक केवल पाप कर रहा है तो पाप करने वाला नरक चला जाएगा, पुण्य करने वाला स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग में अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर वो शेष समय को नरक में बिताएगा, और नरक जो पाप करता सीधा नरक जाएगा, काफ़ी समय वहाँ अपना कष्ट उठाकर फिर दोनों के दोनों, वो तीनों, एक बिल्कुल कंजूस जिसने कदे दान कराए को नहीं, वो भी अपने नरक में भोग कर जैसा भी उसका समय है, कहते वो फिर सारे के सारे वापस यहीं आ जाएंगे, सभी काल की जेल में ही रह गए, क्योंकि उन्होंने सतनाम का जाप नहीं किया। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतनाम भजन बिन सभी काल की जेल रे। इस सच्चे नाम की भक्ति बिना सभी काल की जेल में ही रह जाएंगे। तो वो सतनाम क्या है? दो अक्षर का जाप है, वो दो अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम अक्षर है, एक ओम अक्षर है जो ब्रह्म का जाप है, और एक तत् गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जिसके तीन मंत्र का जो जाप बताया है। ओम तो ब्रह्म का जाप है, तत् ये पर ब्रह्म का जाप है। ये समझो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, तीन परमात्मा, तीन भगवान। अक्षर पुरुष का जाप ओम है और अक्षर पुरुष का जाप ये तत् है, मंत्र तत् है जो दास बताएगा, ये गुप्त है, ये और मंत्र है, तत् नहीं है। और फिर उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते जो 17वें श्लोक में कहा है, उसका नाम उसका मंत्र सत है, वो सत ये दास बताएगा, वो गुप्त है। तो इन तीन मंत्र के जाप से परमात्मा प्राप्ति, पूर्ण रूप ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और सतनाम के जाप का अभ्यास हुए बिना, इसकी कमाई अधिक हुए बिना वो सार नाम यानी तीसरा तो सत जो नाम है वो काम नहीं करता। तो इसलिए यहाँ बताया है कि गरीब दास सतनाम भजन बन सभी काल की जेल रे। पुणात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया, हमारे तक नहीं पहुंचने दिया, और जिसका परिणाम ये रहा कि हमने अज्ञान को सत्य मान रखा था। परमेश्वर कबीर देव जी जब यहाँ लीला करने आए हुए थे, वो पूर्ण ब्रह्म बनारस में जुलाहे रूप में, तो उसमें परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान के आधार से महर्षि रामानंद जी को अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया था, अपनी शरण में लिया था। उसके बाद महर्षि रामानंद जी वो समझ गए थे कि ये कबीर जी जो है ये पूर्ण परमात्मा है, उन्होंने उनको सतलोक में देख लिया था, और उसके बाद महर्षि रामानंद जी के दौरान वहाँ बनारस के अंदर वैष्णव धर्म का काफ़ी प्रचार हो गया था, विष्णु जी का प्रचार ज़्यादा हो गया था, और शिव जी का, नाथों का प्रचार कम हो गया था, वो शिव के उपासक हैं। एक समय गोरखनाथ जी, क्योंकि गोरखनाथ जी वैसे तो बहुत पहले हुए थे, लेकिन ये क्या होते हैं कि इन महापुरुषों को एक ऐसी मुक्ति हो जाती है, ये पितृलोक चले जाते हैं, और उस पितृलोक से ये कभी भी यहाँ आ जाते हैं, दूसरा रूप बदल लेते हैं, होते वो उसी तरह से लेकिन वो कोई पहचान नहीं पाता। तो नाथ परंपरा का ह्रास होते हुए देखकर गोरखनाथ जी बनारस में आए,
और उन्होंने नाथ पंथियों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम इस रामानंद जी से कहो कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। अब रामानंद जी को पता चला कि एक बहुत बड़ा सिद्ध व्यक्ति आया हुआ है और उसने तुझे शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है। रामानंद जी सिद्धि नहीं जानते थे, और हम हमारा समाज क्या है कि जो थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखा दे, जैसे ये आते हैं ना गांव में ठगने वाले, देखे हमने, हाथ पर मिट्टी रखेंगे और कहते बंद कर खोल, उसमें मनवाना सोने की सोना बना दे 2 सेकंड के लिए, तो इस तरह के चमत्कारों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो रामानंद जी चिंतित हो गए कि भी बात बिगड़ेगी, और शर्त रख दी कि जो भी गोष्ठी में हारेगा वो जीतने वाले का शेष होगा, उसके सारे अनुयायी भी उसी के शेष हो जाएंगे। इस बात से रामानंद जी काफ़ी चिंतित हो गए। इस बात का पता चला परमेश्वर कबीर जी जब छोटी सी उम्र के 12-13 वर्ष के, तो कबीर जी ने आकर के रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी हम उसका फेस करेंगे, हमने फेस करना चाहिए, कोई नहीं जो भी जैसा होगा देखेंगे। तो रामानंद जी इस बात से परिचित थे कि कबीर जी ने कह दिया तो बात कुछ और ही होगी, तो चल पड़े। समय निर्धारित हो गया, वहाँ पर एक तरफ रामानंद जी का आसन लगा दिया गया, एक तरफ गोरखनाथ जी आए हुए थे। तो कबीर जी ने बताया कि गोरखनाथ है, परमेश्वर ने बताया कि वो गोरखनाथ है, और कोई बात नहीं हम उनसे चर्चा करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। तो गोरखनाथ जी ने साथ में अपने एक त्रिशूल गाड़ रखा था, 6-7 फुट ऊंचा जमीन में गाड़ रखा था, ऐसे गाड़ते ही नीचे से बाला सा होता है, नीचे जमीन में गड़ जाता, ऊपर से 3 त्रिशूल होते हैं, त्रिशूल होता है यानी ऊपर से 3 उसके नोकेले से श्रीय लगे होते हैं उसमें। और कबीर परमेश्वर जी अपने गुरुदेव जी के चरणों में नीचे जमीन पर विराजमान हो गए। पुण्यात्माओं दास आपको बार बार बताते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने आकर एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका की, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, एक अच्छे नागरिक की भूमिका की, लोभी लालची नहीं थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद करो मेरे साथ चर्चा। तो कबीर जी खड़े हुए, कहने लगे गोरखनाथ जी पहले स्वामी जी के दास के साथ गोष्ठी कर तू, गुरु जी का तो 5-6 नंबर आओगा, पहले तू मेरे इतने मठ मुझसे निपट। अब गोरखनाथ जी कहने लगे अरे बालक कबीर तू कब से साधक बन गया, कब से तू वैष्णव बन गया, क्योंकि उस समय तक परमात्मा ने अपनी वेशभूषा भी उस समय एक वैष्णव साधु जैसी कर रखी थी, तिलक ला रखा था, टिक्का ला रखा था, और हाथ में एक जोड़ी झंडा डंडा जैसे उनकी वेशभूषा थी, वह सारी समांग परमात्मा करके गई थी उस नाथ की पोल खोलने के लिए। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि तू बालक छोटी सी उम्र का, तेरी उम्र भी क्या है, तू गोष्ठी करेगा कल का बालक और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ से, तेरी आयु क्या है। तो परमात्मा बोले यदि तू मेरी आयु जानना चाहता है तो सुन ले जानते हैं। अब गोरखनाथ ने प्रश्न किया कब के भये बैरागी कबीर जी, कब के भये बैरागी। परमात्मा उत्तर देते हैं नाथ जी जब से भय बरागी मेरी आद अंत सुध लागी, धूम धूकार आद का मेला नहीं गुरु नहीं था चेला, जब का तो हम योग उपास्या तब का फिरूं अकेला। यानी कुछ भी नहीं था उस समय, केवल मैं ही था अनामी लोक में, धरती नहीं जद का टोपी दिन यात्रा, ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी नहीं थे जब का झोड़ी सिक्का, कि मैं तो बहुत पुराना बैरागी हूँ, ना तेरा ब्रह्मा था ना शिवजी था,
द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा, सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरू नो खंडा। गुरु के वचन साध की संगत अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। अब नाथ जी ने कहा, तू छोटा मुंह बड़ी बात करता है, तेरी आयु कितनी है? तू कहता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले का था। कहा सुन ले मेरी आयु, जो बुझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, कोट निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 कोट कन्हैया, अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया, मेरी उम्र तो एक पल भी कम नहीं हुई है, तेरे अरबों तो ब्रह्मा मर गए 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है। तो ऐसे बता रहे हैं कि इतने ये 7 करोड़ बार तेरा शंभू मर ले, मेरी एक पल भी अक्षीण नहीं होती, अर्थात मेरी उम्र अजर अमर हूँ मैं। कोटक नारद हो गई ये मोहम्मद से चारी, देवतों की गिनती कहाँ क्या सृष्टि बेचारी, नहीं बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट बेखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख, ये है उम्र हमारी। जब उसने कहा कि सुन ले गोरख, तब गोरख ने सोचा, भाई गोरख जी ने सोचा तू तो पहचान लिया इसने। अब फिर क्या होता है कि गोरखनाथ जी ने सोचा तो बड़ी बड़ी बात करे भाई, तो गोरखनाथ जी ने सोचा कि ये वैसे नहीं मानेगा, सिद्धि दिखाता हूँ जनता तारी पीट देगी, मेरे विजय हो जाएगी। क्या किया उसने गोरखनाथ जी ने, नीचे से उठा अपने सिद्धि बल से आकाश में, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुगती हुए। तो उस गोरखनाथ जी के पास आकाश में उड़ने की सिद्धि थी, आकाश में उड़ा और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो गया और सब ने देखने वालों ने आश्चर्य व्यक्त किया। गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे बराबर आकर बात करो, यदि कबीर जी तूने मेरे से बात करनी है तो मेरे बराबर में आसन लगा, इतना ऊंचा हवा में उड़। तो कबीर साहब जी ने कहा कि नाथ जी, आपकी और हमारी गोष्ठी करने के लिए बात हुई थी, शर्त हुई थी, ये ड्रामाबाजी करने के लिए नहीं। तो नाथ जी कहता है कि तुम्हारे पास कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, तुम लोगों को बात बनाकर ठगते हो, यदि मेरे से बात करनी है, चर्चा करनी है, मेरे बराबर आके बैठो, नहीं तो तुम हारे हम जीते। या कोई हार जीत की बात थी, बात चर्चा की, और कहाँ जा खड़े हुए कलाबाजी दिखाने में। तो परमात्मा के पास, परमात्मा कहते हैं प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी सतलोक की कहो निशानी, परमात्मा के पास सारी सिद्धियाँ होती हैं लेकिन वो शिगर सी प्रकट नहीं करते। अब परमात्मा कबीर जी दुलाहे का काम करते थे और उसमें ये कुकड़ी हुआ करती, पहले कच्चे धागे की कुकड़ी तरखे पकाते करती है बुढ़िया, और वह अन्यों किन्नों निकाल लिया करते, उसने कुकड़ी बोलिया करते, यानी एक धागे की रील होती थी और वो काफ़ी लंबी होती थी, 150 फुट लंबा धागा होता था उसमें, ऐसे गोल गोल करके। परमात्मा तो अंतर्यामी थे, वह जेब में डाल रखी थी वो धागे की रील, कच्चे धागे की, उसका एक सिरा पकड़ा और आकाश में फेंक दी, मालिक की कृपा से अपने आप अनबंडल होगी, वो पूरी खुल गई और उसका ऊपर वाला छोर 150 फुट की ऊंचाई में आसमान में जाकर स्थिर हो गया और नीचे वाला जमीन पर टिका हुआ है। परमात्मा वहाँ से उठे कबीर जी, ऐसे आसन पदम लगाए लगाए सुखासन से, और उस धागे के आखिरी छोर पर जाकर विराजमान हो गए 150 फुट ऊपर। नाथ जी बैठे जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर और परमात्मा बैठे 150 फुट की ऊंचाई पर। अब परमेश्वर ने कहा कि नाथ जी आ जा मेरे बराबर में, यहाँ बैठ कर गोष्ठी करेंगे।
पुण्यात्माओं, ऐसी बात नहीं है। गोरखनाथ जी भी आकाश में और ऊंचे जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर के सामने इनकी सिद्धियां फेल होगी। आकाश में उठने की चेष्टा की, जमीन पर आकर गिर गया, जैसे गद ऐसे दड़ाम जैसी गिरता है। अपुणात्माओं, सिद्धि क्या वस्तु है? मैकेनिक ने यह घड़ी बना रखी है और ये सुई चल रही है, सुइयां चल रही हैं, घूम रही हैं। इनके सामने यदि मैग्नेट ला दिया जाए, ये जाम हो जाती है, काम नहीं करेगी। ऐसे ही परमेश्वर के सामने इनकी सिद्धियां जाम होगी और गोरखनाथ जी समझ गए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आप नीचे आओ, मैं आपसे अब चर्चा करूंगा। परमात्मा नीचे आ गए। तब परमेश्वर ने नाथ जी को समझाया कि ये जंतर मंत्र जोग निभाई। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूलिया और टूने टामन हंड फूलिया। इन सिद्धियों को तो परमात्मा टूने टामन बतावा। कहते हैं ये जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जम जोरा खाई। अब गोरखनाथ जी कहने लगे, तुम्हारा वचन लगा है कड़ुआ। कबीर परमात्मा बोले, सुन गोरख, मैं सबन का गुरुआ, मैं तत्वदर्शी संत हूँ, मैं पूरे सृष्टि का गुरु हूँ। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, तुम्हारा वचन मुझे लाग कड़ुआ। परमात्मा बोले, कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। आज तुझे कड़वा लग रहा है कि तू मैं जगत गुरु नहीं हो सकता, यानी मैं सबका गुरु नहीं हूँ, फिर मेरी बात पर विश्वास रख, मेरा ज्ञान सुन। ये आज तुझे मेरी बात कड़वी लगी है या मीठी हो जाएगी। कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई, पति जमन विश्वास करे। तब नाथ जी ने पूछा कि प्रभु आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लोक से आना हुआ है? तो परमात्मा ने बताया, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। मेरे बारे में कोई नहीं जान सके, मैं अवगत, जिसकी गति से कोई परिचित नहीं, वो परोक्ष स्थान, वो गुप्त स्थान से चल कर आया हूँ। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दासी माने पत्नी। कहते ना मेरा कोई मात पिता, ना मैंने कोई शादी करवा रखी, मैं जुल्हे का बेटा कहलवा रहा हूँ, कोई पिछले संस्कार का कोई मेरा ऋण का वचन था, और यो जगत करे मेरी आसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ना मेरे जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का वो है नाम हमारा। अगर अधर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने कहा, तेरा ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये ब्रह्म काल भी मेरी पूजा करता है, मेरा ध्यान करता है, लेकिन ये केवल साधना एक तपस्याएं करते हैं, और तप से राज की राज मिलता है, तो वो भी मैं ही इसको उस तप के बदले में और आगे अपनी सृष्टि चलाए रखने के लिए मैं ही देता हूँ। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहू ना मेरे, हाड़ चाम लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी ने परमात्मा से पूरा ज्ञान समझा और उनकी शरण ग्रहण की, उपदेश लिया,
लेकिन क्या होता है कि सतगुरु का संग अधिक ना करने से ये कुछ दिनों के बाद फिर भूल पड़ जाती है, और ये प्राणी फिर भूल जाता है उस परमात्मा को। इसलिए सतगुरु का संग, परमात्मा के साथ रहना अति अनिवार्य होता है। पुणात्मा, जब तक हम तत्वज्ञान से परिचित नहीं होते तो ये एक बार ये कथा के गोरखनाथ जैसे शब्द, गोरखनाथ जी कितने सिद्धि युक्त थे। गोरखनाथ जी का गुरु मच्छंद्र नाथ के मन में जब वो 65-70 का हो लिया, उसके मन में काल ने प्रेरणा कर दी। अगर इतने तो सारी उम्र ब्रह्मचारी रह के खो दी और गृहस्थी का सुख देखा कोने, ये प्रेरणा लेकर वो वहाँ से सिंगल द्वीप पहुँच गया। वहाँ का राजा की मृत्यु होगी, उस राजा की मृत्यु हो जाने से होते ही उसने क्या देखा कि राजा का शरीर अभी युवा था, 40 की आयु का, हार्ट अटैक होकर मर गया। उसमें ये गोरखनाथ प्रवेश कर गया, अपने शरीर को छोड़ गया गुफा में। एक सिद्धि तनहंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि ऐसी होती है जो शरीर से अलग हो जाता है ये जीव, और वो राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। अब राजा जीवित हो गया, पहले तो हाहाकार मच रही थी, फिर वो जीवित हो गया। अब जीवित हो गया, लेकिन उस मच्छंद्र नाथ जी ने राजकाज का कुछ बेरा को लिया, तो रानी को शंका होगी। उसने विद्वान पुरुष होते थे उनके राजाओं के पास बड़े, उन्होंने पूछा कि ये राजा की गतिविधि मुझे राजा वाली नहीं लग रही, अब ये तो कुछ ऊट पटांग सी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उन महापुरुषों ने आके वार्ता की उससे, तो वो समझ उनको उस रानी को बता दिया कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, राजा तो चला गया है। तो रानी ने सोचा कि कोई भी हो, शरीर तो राजा का है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ को प्रधान देते हैं। युवा शरीर जीवित हो गया, उसमें कोई भी है। तो उन महापुरुष, उन विद्वान पुरुषों ने कहा कि ये कोई सिद्ध पुरुष है और आसपास कहीं अपना शरीर छोड़ कर आया है, इसके शरीर को नष्ट करवा दे, नहीं तो ये कभी भी शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर में चला जाएगा और ये फिर काम बिगड़ जाएगा। तो रानी ने आसपास सब कंदराओं को की खोज करवाई, सैनिक भेज दिए कि कहीं भी किसी का शव मिल जाए उसको जला दो, फेंक खत्म कर दो। वहाँ देखा एक साधु संत का शरीर मिला, रानी को बताया गया, वो विद्वान पुरुष साथ गए और उसको वहाँ जला दिया, उसी गुफा में सभा कर दिया। रानी खुश होगी। अब मच्छंद्र नाथ से राजा के शरीर के द्वारा रानी के 2 लड़के हो गए। उधर से गोरखनाथ जी को उनके अन्य दूसरे गुरु के शिष्यों ने व्यंग कस दिया कि तू ऐसा सिद्ध पुरुष बना फिरता है, अपने गुरु जी ने ले आना, वो सिंगल द्वीप के अंदर बकवाद करने लग रहा। तो उधर से रानी ने एक और आदेश दे रखा था कि कोई भी संत, ऋषि, महर्षि मेरी सीमा में प्रवेश नहीं करे। उन विद्वान पुरुषों ने यह बता दिया था कि ये मच्छंद्र नाथ है, धीरे धीरे बात खुलती चली गई कि मच्छंद्र नाथ है और इसका शिष्य गोरखनाथ बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, वो इसको इस शरीर से निकाल कर ले जा सकता है। तो रानी ने आसपास सब ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि कोई भी साधु संत मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश ना हो, चारों तरफ बाड़ लगवा दी और वहाँ पहरेदार बैठा दिए। राजा का जब दूसरा लड़का हुआ, उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी लड़के की, दूसरे शहर से वो बुलाए गए, गाने बजाने वाले, ढोलकी ढलकी वाले, सारंगी सुरंगी पूरे साजबाज बुलाए गए। तो गोरखनाथ जी वहाँ रस्ते में बैठ गया, अकबर तेरे को तो नहीं जाने देंगे। तो उनके एक ढोलकी उस सारंगी बजाने वाले के अपनी सिद्धि से दस्त लगा दिए, वो निढाल हो गया। तो उन गाने बजाने वालों का एक वो साजिंदा कंडम होने से वो चिंतित हो गए। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, भाई क्या बात है, क्यों चिंतित हो गए तुम? कि महाराज जी के बताओ,
राजा के यहाँ जाना था और मेरा एक साजिंदा जो है ना, ये ढोलकी बजानिया जो है या जो भी कोई बजाव था कोई भी आइटम वो, और इसके बिना तो हमारा काम बने को नहीं, राजा का काम से कदे सजाना दे दे, मैं नो चिंतित हो रहा हूँ। तो गोरखनाथ बोला भाई मैं बजा दूँ, इसने तो बहुत बढ़िया जानता हूँ बजाना। तो उसने उस वेशभूषा अपनी बदल ली और वो ढोलकी बजाने वाले की वेशभूषा पहन ली और काख में ढोलकी टांग ली और वहाँ बजा के दिखा दी आगे। अब वहाँ गाना बजाना शुरू हुआ, राजा रानी के साथ बैठा है मच्छंदर राजा के शरीर में, और मच्छंदर ढोलकी बजा के कहते जग मच्छंदर जग मच्छंदर को रखो ढूंढ ढूंढ ढूंढ। ये उसने मच्छंदर की आँख खुली भाई कि जग मच्छंदर गोरखाया ढूंढ ढूंढ ढूंढ। अब मच्छंदर नाथ ने समझ गया कि तो मेरा चेला आ गया। अब वहाँ राज छोड़ने जीना कर उस महापुरुष का, रानी से उन साजंदों को ऑर्डर दे दिया कि भाई ये ढोलकी बहुत अच्छी बजाता है, इसको मेरे पास छोड़ जाओ, मैं कभी कभी अपने इंटरटेनमेंट के लिए इससे ढोलकी बजवाया करूँगा। अब वो छोड़ गए कि महाराज से भी कोई ना पड़ा रहे गाड़ा, वो अपने ले कर पैसे जाते रहे। अब गोरखनाथ ने बहुत समझाया कि गुरु जी आप तो परमात्मा पाने के लिए निकले थे, या को जगत को मावे ना जो आपने ये शुरू कर दी। ने बोला गोरख तू बोल रहा मती बस, और फालतू बात ना करे, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो चुपचाप बैठा रहे, बस मेरा आड़े इस राजकाज में खूब जी लाग गया भाई, दो बच्चे हैं मेरे पर छूटे को ना, मेरा मुँह कसूता हो गया, ना गोरख तू बात ना बिगाड़े। गोरखनाथ फिर बात फेर फेर कर गुरु जी से कहे गुरुदेव आप तो गलत जगह फंस गए, चलो चलेंगे यहाँ से, हम अपना उद्देश्य तो कुछ और था। ने बोला नारद गोरख तो चुप रहा, हर गणाना बोला बस। अब गोरख थे उस ढोलकी वाले ने बोला जा, वो बच्चे थे छोटे कोई 4 साल का कोई 5 6 वर्ष का, तो गोरखनाथ को सेवा दे दी तो इन बालकन खिलाया करे। मैं कहा अच्छा गुरु जी, अपनी सिद्धि से उन बच्चों के गोरखनाथ जी ने 10 लगा दिए। अब वो दस्त लग गए, वो टट्टी करा के लाओ, पहले टट्टी ना हुआ करती जंगल में आसपास, वहाँ ले जा, एक ने टट्टी करा के लाओ इतने दूसरा तैयार होया पावे, वो दूसरा रुनता पावे। वो मच्छंदर कहन गया गोरख कि न झटका लिया भाई तो अच्छी तरह। अब दोनों ले गया कट्ठाई और पकड़ के चोटी और नो ला दिए सिद्धी थे, वह खाल काट लिया वो शरीर उड़े गिर रहा, उन्हें नो लटकाया हुआ अकेले गुरु जी। अब वो मच्छंदर एक लाठी ठावर एक दर रे कसाई रे दुष्ट तेरे मेरे बालक मार दिए तेने शर्म नहीं आई, ये के रहा है रे जालिम है तू तो बड़ा निकम्मा आदमी। गोरखनाथ ने बोला गुरुजी आप हमारे गुरुदेव हैं कुछ भी कह सकते हो। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।